शमशेरा। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है। 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे रणबीर कपूर की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने एक डकैत की भूमिका निभाई है, तो दूसरी तरफ KGF के विलेन यानी कि संजय दत्त एक बार फिर आपको इसमें नेगेटिव रोल यानी कि दरोगा के किरदार में नजर आने वाले हैं। अगर हम शमशेरा फिल्म के ट्रेलर के सिनेमैटिक लुक की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं KGF के शेड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर शमशेरा फिल्म की कहानी की बात करें तो शमशेरा फिल्म की कहानी काजा नामक एक शहर की पृष्ठभूमि की कहानी है। फिल्म की कहानी आजादी के पहले की दिखाई गई है। शमशेरा नाम का एक डकैत अंग्रेजों से टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है। उसका मकसद इलाके क्रूर अंग्रेज अफसर शुद्ध सिंह के चंगुल से उन आदिवासियों को निकालना जिन्हें उसने गुलाम बनाकर रखा है। क्या यह फिल्म KGF की कॉपी है? क्योंकि KGF में भी रॉकी भाई कोलार गोल्ड फिल्म में गरुड़ा के आतंक से लोगों को बचाने के लिए गए थे और बन गए लोगों के मसीहा। वहीं इस फिल्म की कहानी में भी दिखाई दे रहा है कि शमशेरा आदिवासियों को क्रूर अंग्रेज अफसर शुद्ध सिंह के चंगुल से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये तो फिल्म की कहानी के बाद ही हमें पता चल पाएगा, जो कि 22 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है शमशेरा। फिल्म के ट्रेलर में रणबीर की एक्टिंग के साथ उनका लुक भी कमाल का है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरोगा शुद्ध सिंह के नेगेटिव किरदार में संजय दत्त ने तो जान डाल दी है। इसके अलावा वाणी कपूर भी नाचने वाले के किरदार में बेहतरीन लग रही है। वाणी ने अपने किरदार पर काफी मेहनत भी की है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड वालों ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है, जो कि साउथ इंडस्ट्री को टक्कर दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म KGF 2 या RRR का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इंतजार करते हैं 22 जुलाई का, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।